रवि की बहन की शादी थी दिल्ली में। रवि का एक दोस्त था जिसका नाम रोहन था, उसकी शादी थी मुंबई में। दोनों की शादी एक ही दिन में थी और रवि को दोनों की ही शादी अटेंड करने का मन था, लेकिन एक शादी दिल्ली में है, एक मुंबई में है, कैसे भला अटेंड करे। बहुत सोच समझ के उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपनी बहन की शादी अटेंड करनी है। तो वो स्टेशन गया और स्टेशन मास्टर को बोलता है कि मेरे लिए एक दिल्ली का टिकट दे दो। जब स्टेशन मास्टर टिकट काट रहा होता है, रवि को फ़ोन आता है रोहन का कि अरे भाई, हमारे कोई भी दोस्त मेरे शादी में नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ कम से कम तू तो आ जा। तो रवि फिर सोचने लग जाता है, मेरी बहन की शादी में तो सब कोई है, रोहन की शादी में तो कोई नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ जाना शायद मेरा ठीक रहेगा। फिर वो स्टेशन मास्टर को बोलता है कि अब मुंबई की टिकट दे दो। फिर जब स्टेशन मास्टर मुंबई की टिकट काट रही होती है, रवि की बहन की फ़ोन आती है। वो बोलती है कि भैया, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। फिर रवि क्या करता है, फिर से स्टेशन मास्टर को बोलता है, नहीं नहीं, आप मुंबई की टिकट कैंसिल कर दो और दिल्ली का टिकट काट दो। अगर आप स्टेशन मास्टर की जगह होते तो बताइए ज़रा, आप क्या करते? बिल्कुल आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते कि इस आदमी को जाना कहाँ है, और आप चुपचाप बैठ जाते, टिकट ही ना काटते, है ना? तो ऐसा ही कुछ होता है रवि के साथ। रवि खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाता है, स्टेशन मास्टर खुद भी कन्फ्यूज हो जाता है, और इस कन्फ्यूज़न के अंदर अंदर गाड़ी छूट जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉ ऑफ एजम्पशन के साथ इस स्टोरी का क्या रिलेशन है, तो ये भी हम वीडियो के एंड में डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है, इसके पीछे क्या साइंस है और इसका क्या स्टेप्स है, और एट द एंड हम ये बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आपको अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए रोक रही है, वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप लॉ ऑफ एजम्पशन के स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, और इस कहानी के साथ लॉ ऑफ एजम्पशन का क्या रिलेशन है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आइए समझते हैं लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है। देखिए, ये एक सिंपल लॉ है। ये लॉ ये बोलता है कि आप जो भी चीज़ एज्यूम करते हैं, वो चीज़ आपके 3D रियलिटी में, फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाती है, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि आपको वो चीज़ कम्प्लीटली एज्यूम करना होता है। मान लीजिए आप चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, तो आपको ये एज्यूम करना होगा कि वो जॉब आपकी हो चुकी है। ये होता है लॉ ऑफ एज्यूम्सन। इसके पीछे साइंस क्या है, ऐसा कैसे होगा कि हम एज्यूम कर लें और चीज़ें हो जाएंगी? तो देखिए दोस्तों, अगर हम नेविल गोडार्ड का बुक फीलिंग इज़ द सीक्रेट को पढ़ें, उसके पहले चैप्टर्स में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का जो रिलेशन बताया गया है, वो बहुत ही अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। अगर आप उस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर वहाँ पर विज़िट कीजिए। तो उसके मुताबिक हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन होता है वो मेल ब्रेन होता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वो फीमेल ब्रेन होता है। तो हमारा मेल ब्रेन का काम ये होता है कि वो एक इंटेंशन दे सबकॉन्शियस को। जैसे हमारी आउटर वर्ल्ड में मेल जब स्पर्म को इंजेक्ट करता है फीमेल के उम्ब में, तो फीमेल क्रिएट करता है एक न्यू बॉर्न बेबी को। एग्जैक्टली वैसे ही होता है जब हमारी कॉन्शियस ब्रेन एक इंटेंशन देती है हमारे सबकॉन्शियस को, यानी कि एक हमारी फीमेल ब्रेन को, तो उसके उम्ब में वो रियलिटी होके क्रिएट होती है। अभी बात ये है कि सिर्फ इंटेंशन डालने से नहीं होता, जैसे सिर्फ स्पर्म जाने से क्या बच्चा पैदा हो जाता है? नहीं दोस्तों, स्पर्म जाने के बाद, कॉपुलेशन होने के बाद बच्चा 9 महीने तक उसको केयर की ज़रूरत होती है, अटेंशन की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच भी होती है। जब कॉन्शियसली हम एक इंटेंशन डालते हैं तो उसको हमें नर्चर करना पड़ता है हमारे अटेंशन के द्वारा। उसके बाद इंटेंशन और अटेंशन मिलके जब एक अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं तो उसी हिसाब से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। तो ये था हमारा क्रिएशन का प्रोसेस। अभी समझते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन इसमें कैसे काम करता है। देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको नहीं पता है अच्छा बुरा सच झूठ, उसको कुछ नहीं पता है। उसको सिर्फ इतना ही पता है कि जो इंटेंशन हम मुझे दी जा रही है और जिस चीज़ को अटेंशन दी जा रही है उन दोनों को मिला के मुझे एक रियलिटी क्रिएट करनी है। यानी कि जब आप एज्यूम करते हैं कि मुझे ऑलरेडी वो जॉब मिल चुकी है, मैं ऑलरेडी अपने मनचाहे जगह पर रह रही हूँ, मैं ऑलरेडी उस आदमी के साथ उस औरत के साथ रह रही हूँ जिसके साथ मुझे रहना था, मैं वो ऑलरेडी बन चुकी हूँ जो मुझे बनना था। जब आप ये इंटेंशन अपने सबकॉन्शियस को देते हैं तो धीरे धीरे वो आपके अटेंशन को निगरानी में रखता है कि आपका अटेंशन क्या है। तो अटेंशन जब आपका इंटेंशन के साथ अलाइंड होता है तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली आपको फिजिकल वर्ल्ड में वही रियलिटी क्रिएट करके देती है। अभी चलिए आइए देखते हैं कि इस लॉ ऑफ अजम्पशन का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों, वही अटेंशन। यानी कि आप जब सोच लिए हैं कि मुझे वो जॉब मिल चुकी है तो आपको कैसा फील होगा? क्या आपको लैक फील होगा? क्या आपको ये लगेगा कि अरे पैसा क्यों नहीं है मेरे पास? क्या आपको गिल्टी फील होगा? क्या आपकी सेल्फ एस्टीम लो रहेगी? नहीं दोस्तों, जब आप ये एज्यूम कर लेंगे कि हर वो चीज़ मुझे जो चाहिए था वो ऑलरेडी मेरे पास है तो आपको बहुत पीसफुल लगेगा। आप बहुत जॉयफुल महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे, मोर कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो ये सारी फीलिंग्स जब आपके अंदर आने लग जाती है, आप जब उस ज़िंदगी को जीने लग जाते हैं जैसे आप चाहते हैं, अभी जब जीने लग जाते हैं इसी मोमेंट में, तो आपके इंटेंशन और आपके अटेंशन दोनों अलाइंड हो जाते हैं और आपके सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को क्रिएट करता है। ये है लॉ ऑफ अजम्पशन। अभी चलिए जानते हैं कि ऐसी वो कौन सी चीज़ है। ये तो बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन हम ये इजी प्रोसेस को क्यों नहीं कर पाते हैं और शुरू में हमने जो कहानी सुना था इसका क्या रिलेशन है लॉ ऑफ अजम्पशन के साथ? देखिए दोस्तों, शुरू में हमने ये कहानी सुना था कि रवि को कन्फ्यूज हो जाता है रवि कि रोहन के शादी में जाए या फिर उसकी बहन के शादी में जाए। एक बार उसको लगता है कि बहन की शादी में रहना चाहिए, एक बार उसको लगता है कि रोहन की शादी में जाना चाहिए, और इस कन्फ्यूज़न में वो स्टेशन मास्टर खुद कन्फ्यूज हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? हम क्या करते हैं, हर समय पर परिस्थितियों को ड्वेलिंग नेचर में हम जीने लगते हैं। कभी तो सोचते हैं कि हाँ वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं खुश हूँ, ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। कभी हमारा अटेंशन ये रहता है कि अरे नहीं, ये तो नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो कैसे होगा। तो हमेशा हम अपने सबकॉन्शियस को एक कन्फ्यूज़न में डाल के रखते हैं हमारे फ्यूचर सेल्फ और प्रेजेंट सेल्फ को लेके। यानी कि हम अपनी अभी की परिस्थितियों को लेके हम हमें जब सोचते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस को एक मैसेज ये जाता है कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। जब नेक्स्ट मोमेंट आप ये सोचते हैं कि हाँ वो चीज़ मेरी हो सकती है, मुझे खुश फील करना है, तो फिर क्या होता है, वो सबकॉन्शियस इन दोनों के बीच जब आप अपनी थॉट प्रोसेस में ड्वेलिंग नेचर करते हैं तो सबकॉन्शियस कन्फ्यूज हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमको क्या करना है, कम्प्लीटली आपको एज्यूम करना है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है, और आपको अपनी मेंटल डाइट को इतनी सही रखनी है कि आप अपनी फ्यूचर सेल्फ को बिल्ड करने में इतने व्यस्त रहें कि अपनी प्रेजेंट पास्ट को सोचने के लिए आपको टाइम ही ना मिले। अगर इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके मनचाहा चीज़ आपके कदमों में होगी दोस्तों।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।